दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पे। दोस्तों इसमें जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो पार्ट वन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर छात्र छात्राओं का सेशन 2020 से 23 होंगे। 2022 चल रही है, इस वक्त इनको पार्ट टू के एग्जाम से ले करके और पार्ट टू के रिजल्ट की तैयारी में जुट जाना चाहिए था इस विश्वविद्यालय को, लेकिन अभी पार्ट वन के रिजल्ट को फंसा करके रखा है। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ, 30 तारीख को फैसला होना था, हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो अगला डिसीजन कब होगा। तो जितने भी छात्र छात्राएं पार्ट वन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दुख भरी खबर हो सकती है। बता दें कि यहाँ के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है और वीसी साहब है या रजिस्ट्रार साहब है, वो अलग अलग तरह के बयान देते हैं, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। पार्ट वन के रिजल्ट को लेकर के ये नोटिस दिया था कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मंथ में जारी कर दिया जाएगा पार्ट वन के रिजल्ट। इसमें रजिस्ट्रार साहब का साइन मोहर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब का साइन मोहर भी है, लेकिन एक बात ये सब छुपा करके रखता है और शातिर है ना, तो एक्सपेक्टेड डेट दे दिया है कि इतने इस वीक में राज जारी हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में जब कोई फैसला जाता है ना, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे करके परेशान कर देता है। परेशान वो होता है जो केस करने वाला रहता है, साथ में वो होता है जिनके ऊपर केस किया गया रहता है। इसमें फायदा किसको होता है, तो दोनों पक्ष के वकील को फायदा होते हैं। दोनों आदमी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहा है और माल कमा रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, फैसले को टाल दिया गया है 12 अप्रैल के लिए। इस बीच आप लोगों के रिजल्ट जारी नहीं होंगे जिस प्रकार से एग्जामिनेशन कंट्रोल चल रहे थे, साथी है ना, एक्सपेक्टेड डेट दे दिया था। इस नोटिस को आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या कहा है नहीं कहा है, ठीक है। अब देखिए, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हो या एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब हो, उनका बयान क्या आ रहा है तमाम सोशल मीडिया के थ्रू से कि अप्रैल महीने में पार्ट वन और पार्ट टू के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। यूं समझिए कि आपके रिजल्ट अप्रैल मंथ में कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन पार्ट टू के छात्र छात्राओं का नहीं होगा, नहीं होगा पार्ट टू के छात्र छात्राओं का, क्योंकि उनके कॉपी का मूल्यांकन 27 अप्रैल तक चलेंगे। और ये तरह तरह के बयान देते हैं, पलटू राम बन गया है ये भी। एक वो समय था कि छात्र छात्रा इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए तरसते थे कि मेरा भी इस विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, क्योंकि इनका सत्र नियमित रहता है, सौ समय छात्र छात्राओं का रिजल्ट दे देता है। एक ये समय है जो छात्र छात्राएं एडमिशन ले लिए हैं वो पछता रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मोटिवेशनल लाइन कह देता हूं कि आप लोग जो पछता रहे हैं, पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप अगले पार्ट की तैयारी करिए। अगर आप अगले पार्ट की तैयारी नहीं करते हैं और ये एग्जाम ले लेती है, तब अगर रिजल्ट आपका खराब आता है तो ये अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा, वो आपको जिम्मेवार ठहराएगा कि आपने तैयारी नहीं की है तो क्या क्या नंबर आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विश्वविद्यालय हो या कोई विश्वविद्यालय हो, आप जितना मेहनत करिएगा उस पर ही डिपेंड करता है रिजल्ट और एग्जाम्स कब लेगी। इसको छोड़िए, आप एग्जाम्स की तैयारी करिए और रिजल्ट एग्जाम्स को लेकर के मैं अपडेट दे ही दूंगा। फिलहाल आप लोग एग्जाम्स की तैयारी करिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए रेखा प्रकाश पर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इन बड़ों से समझ में आ चुका है कि कोर्ट का डिसीजन अगले आदेश तक टाल दिया गया है, आपके रिजल्ट अप्रैल महीने में कभी भी जारी हो सकता है, और जो भी नोटिस आएगा मैं आप लोगों को बताते ही रहूंगा। और ये नोटिस डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।